Hello everyone. Video is for class 4th English grammar lesson 19. In this lesson, through this lesson, we are going to understand the type of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. There are four types of sentences. Sentence की definition है वो क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense. एक ऐसा sentence group of word है. Word का group है जो कोई भी complete sense यानी कि उसमें से कुछ हमको समझ में आएगी. ये जो उसमें क्या कहा गया है वो पूरा उसका सेंस कंप्लीट होता हो तो हम उसको सेंटेंस बोलेंगे. अदरवाइज ऐसे ही वर्ड दिए हुए हो और उसका कुछ सेंस क्लियर नहीं होता तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते. कोई भी इसका पूरा सेंटेंस है उसका कुछ मीनिंग हो रहा हो, हमें समझ में आ रहा हो, कोई सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, तो वो ही उसको ही हम सेंटेंस बोलेंगे. तो सेंटेंस के टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फोर टाइप ऑफ है, सिंपल है, जैसे आप हिंदी में सीख के गए होंगे, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, फिर उद्गारवाचक. तो फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. एक ऐसे ही सिंपल सेंटेंस है जिसके एंड में क्या है, फुल स्टॉप है. एंड अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, कुछ भी किसी के भी बारे में कुछ कहा गया है, सिंपली कुछ भी किसी के बारे में कहा गया है तो वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव. उससे मतलब कुछ सेंस क्लियर होता है. एंड देन लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप. इट वॉज अ वार्म सनी डे. यहाँ पे इसका सेंस क्लियर होता है कि कल जो था वार्म सनी डे था. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ये पता चल जाता है दोनों में डिफरेंस. यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट है एंड देन फुल स्टॉप. एंड देन क्या है कि किसी की आस्क अ क्वेश्चन वो सेंटेंस है जिसमें कुछ पूछा गया है, व्हाट, वेयर, विच, हु, हुम, ऐसे WH क्वेश्चन, हाउ, तो कुछ पूछा गया है उसमें, तो वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. विल यू कम अलोंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे. ओके. एंड थर्ड इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड or request or some advice is called an imperative sentence. It also ends with a full stop. कुछ यहाँ पे simple statement था, यहाँ पे क्या है, command है, request है या advice है. हम किसी को कुछ बोलते हैं, please give me this book, या किसी को command देते हैं, don't do this, go fast, या किसी को request करते हैं या किसी को advice देते हैं, तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस. ये ऑल्सो, ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. गो विथ हिम नाउ, तो ऐसे ही किसी को रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस देते हैं तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कभी कुछ एक्साइटमेंट हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ नाइस पर्सन, या फिर व्हाट अ गुड हैंडराइटिंग. तो ऐसा कुछ होता है जिसको एक्साइटमेंट होता है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो वो सेंटेंस, उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी. इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो मार्क है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है. That was a narrow escape.
मतलब कुछ भी जो सेंटेंस है क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये वो फोर तो आपको समझ में आ गए होंगे। मार्क के हिसाब से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज ए। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस। प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। क्या था? एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड? तो वो कौन सा था? इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो ये क्या है, यहाँ पे प्लीज आगे ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कि रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपको कोई स्ट्रेंजर होता है उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे एडवाइस दी हुई है, सो ऑल्सो इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। शी हैज वॉन द स्पेलिंग क्विज। सिंपल है, उसने स्पेलिंग क्विज क्विज जीता है। डिक्लेरेटिव, सिंपल स्टेटमेंट है। हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क। सो इंटरोगेटिव, हाउ बिग द हाउस इज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक्साइटमेंट बताया हुआ है, और ये है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो हम इसके द्वारा सीधा ही लिख देंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमोरो। सिंपल है, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हैव यू अप्लाइड फॉर द टैलेंट टेस्ट? सी, क्वेश्चन मार्क इज गिवन। क्या आपने टैलेंट टेस्ट के लिए अप्लाई किया है? इंटरोगेटिव, गो एंड फेच माई बैट। सो यहाँ पे क्या है, कमांड, जाओ और मेरा बैट लेके आओ, तो ये कहाँ कमांड दिया हुआ है, सो इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सरसाइज बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट अ वॉच। एक ही वॉच को लेकर हर टाइप के, एवरी टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं। हाउ प्रीटी दैट वॉच इज, मतलब कि जो वॉच है वो कितना अच्छा है। हुज वॉच इज दिस? सी हियर, क्वेश्चन मार्क। सो इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। वेयर योर वॉच, यहाँ पे कमांड दिया हुआ है। किसी को हम बोलते हैं ना कि आपकी वॉच पहनो, तो वो कमांड होता है, सो दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। आई हैव अ ब्लू वॉच, सिंपल स्टेटमेंट है, मेरे पास ब्लू वॉच है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ राइट फोर सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड बुक। तो यहाँ पे वॉच को लेकर जो फोर सेंटेंस बनाए बनाए हुए थे, तो यहाँ पे आपको बुक बुक वर्ड को यूज करके फोर सेंटेंस बनाने हैं। बट एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, सॉरी वो यूज करके इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड आल्सो एक्सक्लेमेटरी। तो हाउ इंटरेस्टिंग दैट बुक इज, एक्सक्लेमेटरी। हुज बुक इज इट? इंटरोगेटिव। रीड द बुक, कमांड। एंड आई हैव मैनी बुक्स, सो इट इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ सेकंड टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट, एक तो हमने देख लिया कि किसी से वो फोर टाइप देख लिए, बस उसके अब पार्ट करेंगे, यानी कि जो उसमें जो जो भी इंक्लूड है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट, तो वो लेकर हम देखेंगे कि अ सेंटेंस हैज टू पार्ट। के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो है सब्जेक्ट। इट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड। वो वन वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट, और मैनी वर्ड में भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ जैसे कि राधा, बात किसके बारे में हुई? राधा के बारे में, तो राधा है वो सब्जेक्ट है। द प्रिडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसके बारे में कुछ बताता है, तो वो है प्रिडिकेट। राधा इज अ गुड गर्ल,
तो राधा है वो सब्जेक्ट है और गुड गर्ल है वो उसके बारे में बताया गया है, तो वो प्रेडिकेट है। इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड्स, उसमें भी बहुत सारे वर्ड या वन वर्ड हो सकता है। सी द लिटिल गर्ल हैज मैनी टॉयज, द लिटिल गर्ल है वो सब्जेक्ट है, सिर्फ गर्ल है तो भी, और यहाँ पे लिटिल गर्ल है तो द लिटिल गर्ल, ये मैनी वर्ड के द्वारा सब्जेक्ट शो किया गया है, सिर्फ गर्ल होता तो भी वो सब्जेक्ट है, द लिटिल गर्ल है वो भी सब्जेक्ट ही है। Has many toys, तो उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, तो उसके बारे में जो कुछ बताया गया है वो प्रेडिकेट है। In some imperative sentence, this subject may not be stated. It is understood. कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, हमें वो समझना पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि गो एंड रन फास्ट, तो जाओ और दौड़ो, तो उसमें वहां पे आगे ऐसा नहीं बोला कि आप जाओ और दौड़ो, फिर भी वहां पे यू नहीं बोला गया, फिर भी हमें समझ में आता है ना कि वो हमें कमांड दिया हुआ है। कंप्लीट योर होमवर्क, यू इज द हिडन सब्जेक्ट, प्लीज ओपन द डोर, पता है हमें बोला गया है ना सेकंड पर्सन को, तो यहाँ पे जो यू है वो हिडन सब्जेक्ट है। नाउ सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, समझ गए, पूरा सिंपल है। जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की गई है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट है। तो दिल्ली इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून, दिल्ली इज अ सब्जेक्ट, सर्कल इट एंड अदर वर्ड आर प्रेडिकेट। लीलीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लीलीज है वो सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आर प्रेडिकेट। अखिल एंड रोहित स्टडी इन द सेम स्कूल, अखिल और रोहित साथ में पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, अखिल एंड रोहित के बारे में बात है, बोथ ऑफ आर सब्जेक्ट्स एंड अदर वर्ड्स आर प्रेडिकेट। तरुण इज थिन एंड टॉल, ही लुक्स हैंडसम, यहाँ पे तरुण सब्जेक्ट है और ये भी इसका प्रोनाउन है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे, और वो थिन एंड टॉल है, लुक्स हैंडसम, तो अदर वर्ड्स है वो प्रेडिकेट। इस तरह से ही आपको 5 टू 10, चार्ल्स डिकन है वो सब्जेक्ट है, दे आर तो दे, द कैट, द बॉय विथ शॉर्ट हेयर, ये क्या है मैनी वर्ड के द्वारा सब्जेक्ट को बताया गया है, माय फ्रेंड्स एंड आई वो भी सब्जेक्ट है, एंड दैट प्लांट विथ स्मॉल ब्लू फ्लावर्स, तो ये भी सब्जेक्ट है कि फ्लावर्स तो है बट कौन से, दैट प्लांट विथ स्मॉल ब्लू फ्लावर्स, जो प्लांट है जो जिसमें ब्लू फ्लावर्स है, तो वो मैनी वर्ड सब्जेक्ट है, इज कॉल्ड पेरिविंकल, तो ये जो अदर वर्ड्स है वो प्रेडिकेट है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग द मिसिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हमें यहाँ पे जो भी मिसिंग है वो यहाँ पे एड करना है और इसका सेंस क्लियर करना है। माई पेट कैट सब्जेक्ट दिया हुआ है, अदर वर्ड हम अपने ओर से कुछ भी लिख सकते हैं, माय पेट कैट इज मिसिंग सिंस संडे, मेरी जो कैट है वो संडे से खो गई है। द फेमस सिंगर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। द फेमस सिंगर आशा भोसले हैज अ परफॉर्मेंस ऑन 5th January, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, प्रेडिकेट दिया हुआ है, हमें सब्जेक्ट ऐड करना है। वॉज ड्राइविंग टू रैशली, तो ड्राइविंग है मतलब कि कार चलाना, तो या तो ड्राइवर के बारे में भी लिख सकते हैं ना, हम किसी अपने के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे कि वो बहुत ऐसे रैशली चलाते हैं। द ड्राइवर ऑफ द रेड कार, जो रेड कार है उसका जो ड्राइवर है वो बहुत ही रैशली चला रहा था। वर पुट बिहाइंड बार्स, यानी कि किसी को बाहर से बाहर फेंक दिया गया था, तो कौन, द रोबर्स हु रॉब्ड द बैंक वर पुट बिहाइंड बार्स। शेक्सपियर सब्जेक्ट दिया हुआ है, रॉट द नॉवेल मैकबेथ, जो शेक्सपियर थे ग्रेट राइटर थे, उन्होंने रॉट द नॉवेल मैकबेथ, उन्होंने मैकबेथ नॉवेल लिखी है। द सन सब्जेक्ट इज गिवन, Is loved by all in winters. तो
जो सन है वो विंटर में सबको अच्छा लगता है। अ लिटिल ब्लैक किटन, ये पूरा सब्जेक्ट है, अ लिटिल ब्लैक किटन, मैनी वर्ड सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में खेल रही थी। माई ओल्ड नेबर सब्जेक्ट इज गिवन, फेल सिक ऑन मंडे, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। माई ओल्ड नेबर केम एट माई होम यस्टरडे, ऐसे तो जो मेरे नेबर थे वो मंडे को बीमार हो गए थे। श्रेया हैज बिकम क्वाइट प्लम नाउ, अब वो बहुत ही शांत हो गई है। बिल गेट्स इज अ वेरी फेमस पर्सन, ओके, ये हम जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है वो सेकंड पार्ट में।